प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इससे पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी।